हनुमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटी से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उन्हें दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एग्जियो, एक ग्रीक गॉड एगेमेमनॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी, मल्ला, किस्मत आजमाने को निकले जहाज, हर तरह के लोग यहां आते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहां लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर कोशिश में काम गई और अगले 60-70 वर्ष तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के लिए जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ कौशी डालते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती। तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई। रानी झांसी तब जा तो पे नाना जी दिल्ली दरबार।